शिक्षा विभाग गुमला के द्वारा सोमवार को बख्तर साय मंडल सिंह स्मृति भवन में जिला स्तरीय स्वच्छ भारत योजना 2021-22 के तहत पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मैट्रिक परीक्षा के टॉप 10 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि उपायुक्त सुशांत गौरव, नप अध्यक्ष दीप नारायण उराव, जिला परिषद उपाध्यक्ष संयुक्ता देवी व विद्यार्थियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर डीसी सुशांत गौरव ने कहा कि स्वच्छ विद्यालय से बच्चों को स्कूल में अच्छा वातावरण शिक्षा के लिए मिलेगा, इससे बच्चों व शिक्षकों में भी लगाव रहेगा। शिक्षा विभाग के आज के कार्यक्रम में जो हमारे जिले के 10 सबसे प्रतिभावान और सबसे अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं उनको पुरस्कृत किया गया, उनको सम्मानित किया गया, उनका प्रोत्साहन किया गया। इसके अलावे हमारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ विद्यालय के अलग अलग कैटेगरीज में जो पुरस्कार है उनको दिया गया, बताया गया कि किस प्रकार से पुरस्कार दिया गया, क्या क्या बिंदुओं को देखते हुए दिया गया है, पूरे पारदर्शिता के साथ। जो फोकस उसमें ये है कि हमारे यहाँ 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार है। कम से कम सभी स्कूलों को हम लोग 3 स्टार और ऊपर कर ले और अधिक से अधिक संख्या में 5 स्टार के स्कूल्स को हम लोग यहाँ बना सकें। जैसे ऐसे अच्छे स्कूल्स होंगे वैसे वैसे पुरस्कृत किए जाएंगे और बच्चों के पढ़ने के लिए एक अच्छे इन्वायरमेंट मिलेगी। और हम लोग यही आशा करते हैं कि शिक्षा के इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों और शिक्षकों के बीच में एक अच्छा प्रोत्साहन, एक कॉम्पिटिशन बना रहे, क्योंकि ओवरऑल हमारा एजुकेशन सिस्टम इसे बेनिफिट कर सके। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।